बेटियां बेटों से ज्यादा माता पिता का ख्याल रखती हैं, लेकिन एक बेटी ने माँ बाप का ख्याल तो दूर की बात उनकी कुल्हाड़ी से काटकर हत्या कर दी। जी हाँ, ये कोई फिल्मी कहानी नहीं बल्कि हकीकत है। हत्यारी नाबालिग बेटी यूपी के बुलंदशहर की रहने वाली है। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है। वहीं बुलंदशहर के डिवाई क्षेत्र में ही एक युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। ये मामला भी प्रेम प्रसंग को लेकर ही बताया जा रहा है। बेटियां देवी का रूप होती हैं। वहीं बात अगर यूपी की करें तो हर माँ बाप अपनी बेटियों के पैर पूजते हैं, उन्हें घर की लक्ष्मी मानते हैं। लेकिन हम जिस बेटी की बात करने जा रहे हैं वो लक्ष्मी का रूप नहीं बल्कि जन्म देने वाले माता पिता की ही हत्यारी निकली। जी हाँ, प्यार में पागल इस लड़की ने अपने माता पिता को मारने से पहले उनकी सेवा की। इसके बाद दूध में जहर मिलाकर पहले तो उन्हें बेहोश कर दिया, उसके बाद कुल्हाड़ी से गर्दन काटकर हत्या कर दी। मामला बुलंदशहर के शिकारपुर कोतवाली क्षेत्र का है। माता पिता का दोष सिर्फ इतना था कि वे लड़कों से फोन पर बात करने से ऐतराज जताते थे। फिलहाल इस नाबालिग बेटी को पुलिस ने गिरफ्तार कर वारदात में प्रयोग की गई कुल्हाड़ी को भी बरामद कर लिया है। इस बाबत एसएसपी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर वारदात की पूरी जानकारी दी है। वहीं डिबाई कोतवाली क्षेत्र के गांव दौरऊ में एक युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। युवक के परिजनों ने प्रेमिका के परिजनों पर हत्या का आरोप लगाया है। मृतक के पिता के अनुसार युवक का गाँव की ही एक लड़की से पिछले करीब 2 साल से प्रेम प्रसंग चल रहा था, जिसको लेकर होली पर भी प्रेमिका के परिजनों ने युवक के साथ मारपीट की थी। उस वक्त गांव के लोगों ने मामला शांत करा दिया था। इस बार ऐसा नहीं हुआ। परिजनों के अनुसार मृतक युवक बीती रात घर से अचानक कहीं चला गया। इसके बाद रात्रि करीब 3 बजे प्रेमिका के परिजन युवक के घर आकर सूचना देते हैं कि उनका लड़का घायलावस्था में उनके घर के पीछे पड़ा हुआ है। सूचना पर युवक के परिजन मौके पर पहुंचे। घायल युवक को घर लाते समय उसकी मौत हो गई। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस मामले की जाँच कर रही है। डिबई में आज सुबह सूचना प्राप्त हुई थी कि एक व्यक्ति अपने पड़ोस में एक लड़की जिसकी की शादी कुछ दिनों बाद तय है और उससे उसके पूर्व का परिचय है, उसके घर में घुस गया था और जिसके उपरांत घर में सो रहे लोग जाग गए और लड़की के पिता व उसके भाइयों द्वारा उसके साथ मारपीट करी गई और उसके बाद फिर घर वाले उसे लेकर के वापस अपने घर गए, जहां पर कि कुछ देर बाद उसकी मृत्यु हो गई। इस संबंध में मृतक के परिवार की तहरीर के आधार पर मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है। जो आरोपित हैं उनमें से लड़की के पिता को हिरासत में ले लिया गया है। पूछताछ करते हुए उन्हें न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जा रहा है तथा अग्रिम विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।